मेरा प्रोसेस मोस्टली जो है डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो जैसा, और कभी कभी क्या होता है कि कैरेक्टर खुद बताता है कि ऐसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी जिनके लिए कोई खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, और वो ऑन द स्पॉट जो डायरेक्टर बताता है आपको उस तरीके से करते चले जाओ। मेरी अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ही मोटी बुद्धि का हूँ, तो जो 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 मुझे डायरेक्टर ने बताया वो उसको करने की कोशिश, ज़्यादा कुछ सोचना वोचना इतना होता नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं कभी सेट पे नहीं गया था उससे पहले, तो फिल्म कैसे बनती है, डायरेक्टर कैसे होते हैं, एडीज क्या होते हैं, प्रोडक्शन टीम क्या होती है, एक्टर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, वही सब सीख रहा था कि एक ग्राउंड लेवल ट्रेनिंग की फिल्में कैसे बनती हैं और इतने सारे लोग साथ में मिलकर फिल्म कैसे बनाते हैं, मैं बस वो सीखने गया था। एंड आई फील लकी कि वो सीख मुझे वासेपुर जैसे एक जर्नी से मिली है, बिकॉज बहुत स्पेशल फिल्म थी, बहुत दिग्गज एक्टर्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला और टीम बहुत अच्छी थी, फ्रेश थी। तो आई फील ब्लेस्ड कि ऐसी शुरुआत रही मेरी इंडस्ट्री में, बीइंग एन एडी ऑन वासेपुर। नो, आई थिंक व्हेन अ फिल्म फेल्स इट्स 100% द डायरेक्टर्स फॉल्ट, it's nobody's fault. So if Bombay didn't work, it's entirely my fault, because the director is the only one who has the power to say no. And bahut jagah jahan mujhe mana karna chahiye tha ya no karna chahiye tha ya stand lena chahiye tha, maine nahi liya, to galti sirf meri hai. Jab film achhi hoti hai to usme contribution sabka hota hai. You are being humble. No, I'm not, it's a fact, it's a fact, anybody will tell you that. Heroine thi aaj ko to sak zarur, you are the hero and heroine. मैं तो क्या कहना चाहेंगे और सब प्रेम क्या दे रहे हो आप इसमें? मैं तो शुरू से चाहता हूँ कि मेरी कोई हीरोइन हो। तो जब वो नहीं मिली तो मैं खुद ही हीरोइन वाला पार्ट में खुद ही चलो। नो नो, इट्स नॉट दैट, इट्स लाइक व्हाट हैपेंस इज यू मेकिंग अ फिल्म एंड यू स्टार्ट आउट मेकिंग अ फिल्म एंड देयर इज अ फिल्म दैट यू आर गोइंग टू मेक एंड मिडवे द प्रोसेस काइंड ऑफ चेंजेस, यू नो, यू फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाई यू वांटेड टू मेक द फिल्म। तो वो जो प्रोसेस है, एंड समटाइम्स वी गेट इन टू लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड टू पुट आवर फुट डाउन एंड से नो, दिस इज नॉट, दिस डजंट गो विद द फिल्म, एंड वी गिव इन टू अ लॉट ऑफ प्रेशर्स, वी गो ऑन अ बैक फुट। सो आई थिंक माई बिगेस्ट कंस्ट्रेंट वॉज, जब क्या होता है कि एक फिल्म का बजट बहुत बड़ा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आप आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप बैक फुट पे आ जाते हैं। तो वो जो बैक फुट पे आना होता है वो सबसे बड़ी गलती होती है। वो आप मतलब कितना भी बड़ा बॉलर क्या ना हो, वो कोहली को सामने जाके खेलना पड़ता है, तो जब पीछे जाते हैं ना धीरे धीरे हिट विकेट हो जाते हैं, तो वैसा हो गया था। मेरी एक थ्योरी है, जो बहुत ज़्यादा कॉमेडी फिल्म बनाते हैं वो अंदर से एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, आप कभी उनसे मिलकर देखिएगा, और जो आदमी जो अपनी सारी डार्कनेस स्क्रीन पर निकाल देता है अंदर बहुत हल्का होता है। चैलेंज यही था कि ठीक तरह से हो जाए कैरेक्टर, मतलब, और ये था क्योंकि बहुत ही, चूँकि नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, कुछ इसकी अपनी अलग फिलॉसफी है, अलग थॉट है, जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो हम सोचते हैं वो गलत है, वो उसके लिए सही है ना, तो ऐसे ब्रेन में जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वो तभी जस्टिस कर सकते हैं आप जब आप उसकी उसकी थ्योरी को बिलीव करते हैं। श्रीराम राघवन मेड अ फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, हाँ, नो, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ फिक्शनल 1 आवर फिल्म, एंड दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट आई वर्कड ऑन and I came to Bombay. So that's how I know the story, and that's how I've been obsessed with the story since then. So I came when the film was finished shooting and it was doing post-production is when I had joined them. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.